हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो अभी शाम का समय है और मैं इधर बना रही थी चाप की सब्ज़ी। मतलब मैं तो क्या बना रही थी, जो मेरी देवरानी आ रही थी वही बना रही थी। मैं उनको बता रही थी और ये अंजलि ने सूट किया था, मैंने सामने से बता दिया था बैठ के। तो अभी ये चाप के लिए गर्म पानी रख दिया और चाप को फ्रिज से निकाल लिया। इधर सुमिता ये लहसुन छील रहा है, इसको लहसुन का काम दिया गया है, तो ये इसको लहसुन छीलना भी भारी लग रहा है। बोल रहा है, मम्मी मेरे से तो छीले ही नहीं जा रहे। और मैं भी इनको बता रही थी, मेरी तबीयत ख़राब थी बस, बट मैं उसे बैठा नहीं रह जाता, मेरे बस का नहीं है। तो मैं इनको बोल रही थी कि ये प्याज वगैरह टमाटर वगैरह ये चॉप कर लेना, ये ऐसे कर लेना, इनको बता दिया था सारा। तो अंजलि ने और उसकी चाची ने ही बनाया था। और ये देखो, हमारे किचन में धूप आती है शाम के टाइम, पीछे से उससे खिड़की से आ रही है, ये जो थोड़ी दिख रही है वेंटिलेशन वाली इधर। तो अभी इनको छील के ये सब। तो दोस्तों, अभी शाम के बज चुके हैं 5:45 और मैं बना रही हूँ सब्जी अभी चाप की। और मौसम मस्त वाला हो रहा है, अभी दिखाऊँ आपको बाहर से कितनी गर्मी में भी ये कंबल लेके सोती है, देखो। तो अभी ये चाप है, इसको बॉईल कर लिया था और अभी मैं पीस कट कर रही थी, बट मेरे से एक हाथ से हुआ नहीं, तो उसकी चाची ने ले लिया, बोले लाओ मैं कर दूँगी। तो अभी वो जो आपके मतलब पीसेस कट कर रही हैं, उनको पानी में पहले बॉईल करना होता है थोड़ा, फिर जो स्टिक होती है ना वो मैंने निकाल दी थी, एक हाथ से निकाल के फ्रिज में रख दी थी कि आइसक्रीम वगैरह करने के काम आएंगी। ये देखो, मैंने उठा के सारी स्टिक वॉश करके और फ्रिज में रख दी कि आइसक्रीम के काम आ जाएंगी, कभी आइसक्रीम बनाएंगे तब। और ये अभी इसकी चाची ने इनको कट कर लिया है, और अभी जो ऑयल है उसमें फ्राई करना होता है फिर इसको। मैंने रेसिपी तो पहले शेयर कर रखी है, आप लोगों ने देख रखी होगी। तो बस ये अभी इनको फ्राई कर लेगी, और जैसे पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं नॉर्मल, वैसे ही सब्ज़ी बनाई जाती है इसकी। तो ये देखिए, अभी ग्रेवी वगैरह सारी हो चुकी है। और ये मैं आपको दिखा रही थी, मैंने मलाई डाली थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी देर बाद फिर इसमें दही भी ऐड किया था। और मलाई डालने से सच में सब्ज़ी बड़ी टेस्टी बनती है, पनीर हुआ, शाही पनीर हुआ, ये हुई सब्ज़ी, कोई अगर कोई भी सब्ज़ी में डालोगे तो मलाई अच्छी बनती है मेरे ख्याल से। तो मैंने अभी इसमें मलाई डाली है, और मलाई फ्रिज में रखी हुई थी, तो ये थोड़ी वैसे दिख रही है ऊपर ऊपर, थोड़ी गर्म हो जाएगी तो इसमें मिक्स हो जाएगी फिर। और अभी ये थोड़ी लस्सी पड़ी है, ये भी डालूंगी, और थोड़ा दही भी डाला था मैंने। तो ये देखिए, अभी बेड है सामने, बेडशीट चेंज की थी। तो अभी ये नेक्स्ट डे था, और नेक्स्ट डे सुबह उठते इसकी चाची थोड़ा मेरे को, तो 1-1.5 महीना हो गया वैसे बीमार हो रही, तब से बीमारी चलती है। तो वो सुबह सुबह किचन को भी खेल के बैठ गई कि मैं सफाई करूँगी किचन की। ये देखो, सारी किचन की अलमीरा वगैरह सारा सामान निकाल के, और वो सभी को वॉश कर रही थी, खिड़की वगैरह सभी को वॉश किया था। और ये सारे पेपर वगैरह सारे पुराने वाले निकाल दिए। इधर अंजलि बैठी हुई थी, सुबह 8 बज रहे थे, और ये सारे पेपर वगैरह निकाल के प्याज व्याज दोबारा लहसुन वगैरह सारा, मतलब पूरी किचन को ही ऊपर नीचे वाली सारे स्लैब को सेट कर दिया था। ये देखो, सारे लगा दिए, मतलब इसने लगा दिए थे जो जो जहाँ रखा था उसी को फिर वहाँ रख दिया। और तो फिर मैं करती रहूँगी, बाकी पूरी क्लीन कर दी थी बिल्कुल किचन को। ये देखो स्लैब पर कितने सामान पड़े हैं। और इधर क्योंकि मेरे को तो अभी तो कम से कम कितने दिन हो गए, जो जितने भी डब्बे थे वो सारे वॉश करने के लिए सिंक में डाल दिए, तो अभी वो डिब्बे वॉश कर लेगी। ये देखो, सारे रखे हुए मिक्सी के वो सारे। और अभी बेड को सेट किया है, बेड के लग गए हैं, शाम का टाइम था तो अभी बेड सेट करेंगे। और ये अंजलि ये बैठी थी इधर, हम लोग कपड़े समेट रहे थे, क्योंकि बेड भी आपको पता है सर्दी में कपड़े जितने भी थे थोड़े बाहर रखे हुए थे, और 2-3 शादियाँ थी तो उसके बाद सेट ही नहीं किया, क्योंकि मैं बीमार हो गई थी उसके बाद, तो ये कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे। तो आज इनको भी वो बोली चलो ये भी कर लेते, अब कोई काम तो है नहीं, तो बेड के सारे कपड़े बाहर निकाल लिए थे। अभी इसको अरेंज करेंगे बेड को। ये देखो, सारे पड़े थे, और सूट जो सर्दी वाले थे वो कोट वगैरह 1-2 बाहर पड़े थे, तो वो भी रख देंगे, तो ये काम भी बन जाएगा। तो अभी बस इसी को सेट करने में लगे हुए थे, और ये अभी बिखरा पड़ा था बेड के ऊपर, जो जो काम के थे वो रख रखे थे। और ये अंजलि हंस रही थी, ये देखो थोड़े बहुत तो मैंने लगा दिए थे, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी, क्योंकि पता नहीं गले में थोड़ी खराश सी हो रही है। फिर तो मैंने जो भी नीचे कपड़े थे उनको साइड में करके बेड को साफ़ कर दिया था, और ये साड़ी वगैरह समेट रही थी।
और ये देखियो सामान मतलब सेट करते करते बीच में आइसक्रीम वाला आ गया, तो ये लोग बोले चलो थोड़ा थक गए अब आइसक्रीम खा लेते हैं। तो वो बेड मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, बस ये इधर वाली ये ड्रॉर थी ना ये खोल रखी थी। ये देखो बेड को मैंने सारा सेट कर दिया था, और ये क्लिप पहले की है, और अभी ये दूसरे वाला पार्ट खोल लिया था बेड का साइड वाले। तो इसमें तो सारे मतलब नए सूट वगैरह और मेरे लाचे वगैरह वही रखे हुए थे। और शाम का टाइम था, खिचड़ी बनाई थी। तो ये था छोटा सा व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, टाटा बाय बाय।